हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ऑटोकैड ट्यूटोरियल की इस वीडियो पे हम लोग कुछ स्पेशल सिंबल्स, कैरेक्टर और कुछ ट्रिक्स जो कि हम लोग टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास एक ऑटोकैड खुला हुआ है जिसमें मैंने एक टेक्सटाइल जो कि एरियल 250 मैंने बनाया है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी देखें तो इसका हाइट मैंने 250 मिलीमीटर दिया है और इसका फॉन्ट नेम है मेरा एरियल, फॉन्ट स्टाइल है रेगुलर। ठीक है, सेट करंट क्या क्रॉस किया। अब मान लीजिए मुझे टेक्स्ट जब डायरेक्ट टेक्स्ट लिखूंगा DT करके, मुझे उस टेक्स्ट का अंडरलाइन चाहिए कुछ, जैसे कि मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान में लिखूंगा तो मेरा अंडरलाइन चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए परसेंटेज परसेंटेज यू दिया, फिर अगर अंडरलाइन मुझे खत्म करना है तो फिर से परसेंटेज परसेंटेज यू, मेरा अंडरलाइन कमांड खत्म हो गया। आप स्केल ग्राउंड देखिए, मैंने ऐसे अंडरलाइन दे दिया, तो अंडरलाइन का मेरा शॉर्टकट है परसेंटेज परसेंटेज यू। फिर मुझे अगर मान लीजिए इसका ओवर लाइन देना है तो उसका भी शॉर्टकट है, पहले DT किया, एंटर किया, डेसिमल पॉइंट किया मैंने। आप ओवरलाइन के लिए परसेंटेज परसेंटेज ओ फिर लिखते हैं प्लान, फिर ओवरलाइन का कमांड को खत्म करने के लिए परसेंटेज परसेंटेज ओ। ठीक है, अब मेरा स्केल लिखा मैंने, तो ये है मेरा अंडरलाइन और ओवरलाइन। अब कुछ और यूजफुल सिंबल्स जो कि बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि मेरा डायमीटर के लिए फाई यूज होता है और डिग्री का साइन, वो हम लोग कैसे दे सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए इसका डायमीटर का साइन देना है फाई, तो उसके लिए DT किया, एंटर किया, सिलेक्ट किया, सॉरी, अब मुझे फाई का सिंबल देना है यानी कि डायमीटर का सिंबल देना है, उसके लिए परसेंटेज परसेंटेज सी। देखिए, मेरा फाई का सिंबल मेरा आ गया, कमांड है परसेंटेज परसेंटेज सी। आप उसके बाद डिग्री का सिंबल देना है, मान लीजिए मुझे लिखना है 90 डिग्री मुझे लिखना है तो मैं कैसे दूंगा, DT एंटर, एंटर किया, 90 दिया। अब डिग्री देने के लिए परसेंटेज परसेंटेज डी, परसेंटेज परसेंटेज डी, देखिए मेरा डिग्री का सिंबल जो आ गया। अब उसके बाद मान लीजिए मुझे लिखना है प्लस माइनस वन, जो इसका वैल्यू होगा समथिंग 90 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस में कैसे दूंगा, DT एंटर, सब कुछ मैं यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस माइनस का मेरा शॉर्टकट के लिए कमेंट होगा परसेंटेज परसेंटेज पी, देखिए प्लस माइनस आ गया। अब मैंने दे दिया यहाँ पर 1, देखिए ये मेरा कुछ यूजफुल सिंबल्स। अब और भी कुछ यूजफुल सिंबल हम देखते हैं, जैसे कि सेंटर लाइन का जो सिंबल होता है CL, वो सेंटर लाइन का सिंबल हम लोग कैसे दे सकते हैं। DT एंटर, एंटर किया, अब सेंटर लाइन का जो मेरा कोड है वो है backslash u plus 2104। देखिए, ये एक बॉक्स आया, मतलब
ये जो मेरा फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट साइड में फॉन्ट स्टाइल में ओ वाला सिंबल मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो आपको नया फॉन्ट स्टाइल बनाना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए एक और फॉन्ट स्टाइल बनाते हैं। हाइट को मैंने 250 किया, अप्लाई किया, सेट करंट किया, क्लोज किया। अब देखते हैं डी टी एंटर। अब देखते हैं बैक स्लैश यू प्लस 2104। देखिए मेरा सेंटर लाइन का सिंबल जो है आ गया। अब ऐसा कुछ और यूजफुल सिंबल देखते हैं, जैसे कि मेरा मान लीजिए मुझे देखना है एंगल्स 90 डिग्री, तो एंगल का जो सिंबल होता है वो सिंबल मैं कैसे दूंगा, तो उसका सिंबल है देने के लिए डी टी एंटर। किसी वे फर्स्ट वन किया मैंने, एंटर किया। अब एंगल का सिंबल देने के लिए बैक स्लैश यू क्लास 2220। देखिए एंगल का सिंबल मेरा आ गया। अब मुझे फिर से आप बाउंड्री लाइन यानी कि बीएल बाउंड्री लाइन का मुझे सिंबल देना है, तो उसके लिए फिर मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट लिया। बाउंड्री लाइन का सिंबल देने के लिए बैक स्लैश यू प्लस टी 100। देखिए बाउंड्री लाइन का मेरा सिंबल जो है आ गया। आप और कुछ सिंबल देखते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट इक्वल टू, उसका सिंबल मैं कैसे दूंगा, तो उसके लिए डी टी बैक स्लैश यू प्लस 2248। देखिए मेरा ऑलमोस्ट इक्वल टू का जो सिंबल है वो आ गया। कुछ और सिंबल जैसे कि नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए मेरा जो कोड है वो है बैक स्लैश यू प्लस 2260। देखिए मेरा नॉट इक्वल टू का जो सिंबल है वो आ गया। ऐसे मान लीजिए मुझे लिखना है 20 स्क्वायर, तो वो मैं कैसे लिखूंगा। डी टी एंटर, वन एंटर किया मैंने 20। अब इसका मुझे स्क्वायर देना है, तो देने के लिए 20 लिखने के बाद बैक स्लैश यू प्लस 00B2। देखिए 20 स्क्वायर। अब मुझे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है, तो उसके लिए डी टी किया, डायरेक्टेक्स दिया, सॉरी डी टी, आप क्वेश्चन मार्क देना है मुझे, तो बैक स्लैश यू प्लस 00B3। देखिए मेरा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ऐसे आप डेल्टा का साइन मुझे देना है, तो डेल्टा का साइन दे लेंगे, ट्रायंगुलर एक सिंबल होता है डेल्टा का, तो साइन देने के लिए डायरेक्ट्रिक्स लिया, फिर इसे क्लिक किया, क्लिक किया डेल्टा का साइन देने के लिए बैक स्लैश यू प्लस 0394। देखिए मेरा डेल्टा का साइन जो है आ गया। तो ये कुछ मेरा स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल्स है जो कि मैं ऑटोकैड में यूज कर सकता हूँ, जो कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत यूज होता है, तो ये हम लोग ऐसा शॉर्टकट से हम लोग दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।